हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि अपने पीसी में पावर डायरेक्टर कैसे इंस्टॉल करें। तो दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से पहले आपको डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोडिंग में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, ओके। या फिर पर्सनल कॉन्टैक्ट पर जाके मुझे कॉन्टैक्ट करना है तो आपको लिंक दोबारा से प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा फोल्डर है, यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 17 है। तो इस दोनों के लिए वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, और क्या डिफरेंसेस है इसके लिए तो मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है, तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं, ओके। चलिए, मैं यहाँ पे 16 को इंस्टॉल करके दिखाता हूँ आपको, ओके। स्टेप बाय स्टेप आप मुझे फॉलो कीजिए। तो सबसे पहले आपको फोल्डर को ओपन कर लेना होगा। ओपन करने के बाद यहाँ पे दिख रहा है पावर डायरेक्टर अल्टीमेट, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपके सामने यहाँ पे सेटअप एक्टिवेटेड दिखाई देगा, ओके। तो आपको इस पर दोबारा से क्लिक करना है, और दोबारा से क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेटअप दिखेगा, इस पर आपको राइट क्लिक करना है, ओके। इसको आप पहले सेलेक्ट कर लीजिए, इसके बाद राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करना होगा आपको। और जैसे ही क्लिक करोगे, आपके सामने एक इंटरफेस खुल कर आएगा जिसमें लिखा हुआ होगा पावर डायरेक्टर, और नीचे यस या फिर नो होगा, तो आपको यस पे क्लिक करना है, ओके। तो मैंने यस पे क्लिक कर दिया। अब थोड़ा सा समय लगेगा, इसके बाद इंस्टॉलेशन प्रोसेस मेरी शुरू हो जाएगी। तो देखिए, यहाँ पर इंस्टॉलेशन प्रोसेस मेरी शुरू हो गई है। तो आपको यहाँ पर सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, इसके बाद वापस से नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। और थोड़ा सा टाइम लगेगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे टाइम लग ही जाता है थोड़ा बहुत, तो यहाँ पे हम वेट करते हैं 97% का या फिर 96% का। जब तक अगर चैनल पे नया विजिट किया है आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ आपको मिलती रहती है, और साथ में आपके ऑन डिमांड वीडियो भी प्रोवाइड की जाती है। यानी कि आपको किसी वीडियो की ज़रूरत है तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कीजिए, या फिर मेरे अबाउट सेक्शन में जा करके आप पर्सनली कॉन्टेक्ट कीजिए, और आपके डिमांड पे हम वीडियो को बना करके और अपलोड कर देंगे, ओके। के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन के आइकन को भी दबा लीजिए। और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 100% कम्प्लीट हो गया है। तो नया विंडो यहाँ पे आपका खुल गया है, और यहाँ पे लॉन्च पावर डायरेक्टर का ऑप्शन आ रहा है। तो मैं इसको लॉन्च नहीं करूँगा, मैं नॉर्मली इसका विंडो जो है वो कट कर देता हूँ, ओके। मैंने कट कर दिया। इसके बाद आपको क्या करना है, बैक जाना है, और बैक जाने के बाद आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पेज दिख रहा होगा। तो ये रजिस्ट्रेशन पेज से मैं इसका रजिस्ट्रेशन कर देता हूँ, ताकि आपका लाइफ टाइम फ्री हो सके, ओके दोस्तों। तो यहाँ पर मैं रजिस्ट्रेशन पेज की कॉपी कर लूँगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपका इंटरनेट उस समय एक्टिव नहीं होना चाहिए। तो चलिए, मैं इसको क्लिक करके, और इसको सबसे पहले तो मैं इसको डाल देता हूँ एरोप्लेन मोड पे, ओके। तो यहाँ से इंटरनेट मैंने क्लोज कर दिया, इसके बाद रजिस्ट्रेशन पेज को कॉपी कर लूँगा यहाँ से। तो मैं यहाँ से पहले कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद दोस्तों, आपको क्या करना होगा, ये साइबर लिंक स्क्रीन, और यहाँ पे वेब एडिटर दिख रहा है अलग से, और यहाँ पे साइबर लिंक पावर डायरेक्टर आपको अलग से दिख रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे अलग अलग दिख रहा है, क्योंकि ये पावर डायरेक्टर 16 है, और जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है आप कंट्रोल पैनल में जाके उसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं, ताकि आपका ऐप जो है वो कम स्पेस ले। तो चलिए, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ओके। तो इसको ओपन कर लेता हूँ ऐसे, राइट क्लिक कर लिया, इसके बाद ओपन फाइल लोकेशन पर क्लिक कर लेता हूँ, और इसके बाद जो मेरा रजिस्ट्रेशन पेज मैंने कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ओके। तो यहाँ पे मैं ऐसे पेस्ट करूँगा, तो यहाँ पे देखिए पेस्ट हो चुका है। और इसके बाद वापस से इस पर राइट क्लिक करूँगा, और इसको मर्ज पे क्लिक कर दूँगा, ओके। इसके बाद आपके सामने रजिस्ट्री एडिटर का ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें आपको यस पे क्लिक करना है, और इसके बाद आपको वापस से यस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा गया है कि द रजिस्ट्री की वैल्यू कंटेन दिस, ठीक है, हैव सक्सेसफुली एडेड टू द रजिस्ट्री। इसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है, इसके बाद इसको कट कर देना है नॉर्मली, ओके। अब दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे होंगे पावर डायरेक्टर, जिसमें आप वीडियो एडिट करोगे। इसके बाद यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डर आ जाता है, यहाँ पे आपका वेव एडिटर आ जाता है, जिसमें आप साउंड एडिट करते हो, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे पावर डायरेक्टर ओपन कर लेता हूँ। और दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखिएगा, अभी और भी बहुत कुछ बताने वाला हूँ, जैसे कि आपका ये जो पावर डायरेक्टर है 16, वो बेटर क्यों है नए वाले से, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ अलग अलग होता है। तो जिस सर्विस को आप यूज करना चाहते हो, सिर्फ उस सर्विस को रखो, ताकि आपके पीसी में स्पेस की कमी ना पड़े, या फिर आपका पीसी अच्छे से रन कर सके, ओके। तो चलिए, यहाँ पे मैं यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इस तरह का विंडो खुल के आ गया है। यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो दिखाया जा रहा है, CT9 पे रहने देता हूँ। इसके बाद टाइमलाइन मोड पे क्लिक कर दूंगा, और यहाँ पे ऑलवेज कर देता हूँ, ठीक है, ताकि हम इसी मोड में वीडियो को एडिट करते हैं। इसके बाद आपको यस पे क्लिक कर देना है,
तो इसके बाद यहाँ पे आपके सामने ऐसा ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे नो थैंक यू पे क्लिक करना है, इसके बाद इसको क्लोज कर देना है। ओके तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये ओपन हो जाएगा। ओके तो यहाँ पे आ जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए, तो यहाँ पे स्किप रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे थोड़ा सा वक्त लगेगा, तो चलिए हम वेट कर लेते हैं पावर डायरेक्टर ओपन होने का। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा पावर डायरेक्टर ओपन हो चुका है और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इम्पोर्टिंग मीडिया फाइल हो रहा है, यानी कि जो इसका बाय डिफॉल्ट रूप से जो मीडिया फाइल्स होते हैं इसमें, जैसे कि ये सारे फोटोज, तो ये आज तक हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे इसको ला करके एक क्लिप ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। इसके बाद मैं एक्सपोर्ट करता हूँ नॉर्मली और ये देखो सब कुछ चेक्ड है। बहुत सारे वीडियो में आपने देखा होगा, बहुत सारे यूट्यूबर की, तो वहाँ पे बताते हैं कि अनचेक कर दो इसके, नहीं तो आपका यहाँ पे एक छोटा सा वाटरमार्क आ जाएगा। तो दोस्तों वाटरमार्क तो आनी नहीं चाहिए आपकी वीडियो में, अगर आप यूट्यूब के लिए वीडियो डाल रहे हैं या किसी प्लेटफॉर्म के लिए मोनिटाइज वीडियो के लिए डाल रहे हैं, तो आपका वाटरमार्क नहीं आना चाहिए क्योंकि आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए मैं यहाँ से प्रोड्यूस करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ प्रोड्यूस पर मैंने क्लिक कर दिया है, तो मेरा ये ऑप्शन आ रखा है। इसके बाद मैं H264 पे जाऊंगा, आप भी इसी मोड पे कीजिएगा और इसके बाद यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी क्वालिटी। तो मैं नॉर्मली यहाँ पे यूट्यूब के लिए जो वीडियो की क्वालिटी रखता हूँ वो रखता हूँ 1280x720/240p नहीं रखूंगा, क्योंकि ये आता है फुल HD का, सबसे हाई क्वालिटी हो जाती है। तो मैं यहाँ पे 30p रखूंगा, 16 Mbps वाली। याद रखिए दोस्तों ये वाला आपको रखना है MP4 1280x720 30p, क्योंकि YouTube रिकमेंड करता है 25p या 30p में। ओके तो यहाँ पे रहने देता हूँ इसको और इसके बाद मैं स्टार्ट पे क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे प्रोड्यूसिंग मेरा स्टार्ट हो रखा है। तो इसके बाद ओपन करके आपको वीडियो चला करके दिखाऊंगा कि वाटरमार्क कहीं भी नहीं आया। और ये आपका लाइफ टाइम फ्री है दोस्तों। और भी कुछ बताने वाला हूँ, जैसे कि आपका पावर डायरेक्टर काफ़ी स्पेस ले रखा है, तो इसको मैं थोड़ा सा कंप्रेस भी करके दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पे आप देखिए प्रोड्यूस मेरा आ रखा है, तो इसको ओपन करके हम देख लेते हैं। तो मैंने वीडियो चला दिया है और वाटर मार्क यहाँ पे तो आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक तो नहीं आया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कोई भी वाटर मार्क नहीं आया है, यानी कि आप लाइफ टाइम फ्री वीडियो एडिटर का यूज कर सकते हैं, वो भी पावर डायरेक्टर। आप सोचो इसके लिए कितने पैसे पे करने होते हैं आपको। ओके तो आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आ गया। अब दोस्तों सवाल ये रहा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको स्क्रीन रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे फंक्शंस नहीं दिए गए हैं जिससे आप एजुकेशन वीडियो या और भी वीडियो, बहुत सारी कैटेगरी होती है जिसकी वीडियो बना सको। तो आपको अगर इसका स्क्रीन रिकॉर्डर या फिर वेब एडिटर का यूज नहीं करना है, ओके अगर नहीं करना है तो आप क्या करो कि कंट्रोल पैनल पे जाओ, यहाँ से आप सर्च कर लो कंट्रोल पैनल पे एप्लीकेशन, जैसे इंस्टॉल करते हो तो वहाँ पे कंट्रोल पैनल में आपको देखने को मिल जाता है ये अलग अलग एप्लीकेशन। इसी वजह से मैंने ये वाला आपको पावर डायरेक्टर इंस्टॉल करवाया था। तो चलिए कंट्रोल पैनल को मैंने ओपन कर लिया और ओपन करने के बाद आपको अनइंस्टॉल प्रोग्राम पे क्लिक कर देना है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे साइबर लिंक वेब एडिटर आपको अलग से दिख रहा है, ओके तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए जो कि 54 MB का है, और आप इसको राइट क्लिक करके अनइंस्टॉल कर सकते हैं। ओके तो इससे क्या होगा कि आपका सिर्फ यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डर और आपका साइबर लिंक पावर डायरेक्टर जिसमें आप वीडियो एडिट करते हो वो दोनों ही रहेंगे इसमें। ओके अब दोस्तों एक चीज और बताना चाहूंगा कि यहाँ पे आपका स्क्रीन रिकॉर्डर अलग है और वेब एडिटर अलग है और यहाँ पे वीडियो एडिटर अलग है। ओके अब मान के चलो आप 17 को इंस्टॉल करते हो, तो आपका क्या होता है कि जब आप एक पावर डायरेक्टर को रन करते हो तो उस समय आपका तीनों ही सर्विस एक ही समय पे रन करता है, तो वो आपका जो उसका स्पेस होता है आपके रैम में कम से कम 1 GB या 1.25 GB के आसपास हो सकता है। ओके अब यहाँ पे चूंकि अलग अलग है तो आप एक एडिटर को यूज कर रहे हो, तो बाकी ये दोनों उस समय रन नहीं हो रहे होंगे। इसी वजह से दोस्तों सिर्फ आप नंबर देख करके 19, 20, 25 देख करके आप इंस्टॉल मत किया करो, आप ये देखो कि आपके पीसी के लिए आपके लिए कौन सा सही है। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ पावर डायरेक्टर 16। तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया और समझ में भी आया। दोस्तों फिर भी इस वीडियो में कोई ऐसी जानकारी है जो मैंने नहीं बताई है आपको लगता है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और कोई और सेटिंग या इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए या कोई भी एप्लीकेशन के बारे में आपको जानना हो, किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए आपको जो आपने कभी सुना है या आप जानना चाहते हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए या फिर अबाउट सेक्शन में जाकर के पर्सनली कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं उस पर वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा। और अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन के आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में एक नई टिप के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।